कोलकाता रेप केस मामले में न्याय की मांग को लेकर के डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल समाप्त करने को लेकर के सीएम ममता बनर्जी और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के बीच बातचीत को लेकर के गतिरोध बना हुआ है। शनिवार को भी हड़ताल समाप्त करने को लेकर के प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और ममता बनर्जी के बीच बातचीत पर सहमति नहीं बन पाई। डॉक्टर बातचीत के लाइव स्ट्रीमिंग कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। ममता बनर्जी इसे इंकार कर रही है। इस बीच आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित बलात्कार और हत्या के शिकार ट्रेनी डॉक्टर की माँ का दर्द छलका है। पीड़िता के माँ ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के अपनी टिप्पणी को और स्पष्ट करनी चाहिए। ट्रेनी डॉक्टर की मां ने उम्मीद जताई है कि डॉक्टरों और ममता बनर्जी के बीच बातचीत सफल हो और उनकी बेटी को न्याय मिले। इस बीच सीबीआई ने शनिवार को कोलकाता रेप केस मामले में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप को लेकर के आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाना के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। संदीप घोष को सीबीआई ने सबूत के साथ छेड़छाड़ करने और जांच को दिग्भ्रमित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस बीच मृतिका की मां ने अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में टिप्पणी में और भी स्पष्टता लानी चाहिए। उनको चाहिए कि वो ये कहने के बजाय कि दोषी को दंडित किया जाए, इस बारे में और साफ कहना चाहिए। अपराध स्थल पर साक्ष्यों को नष्ट कर दिया गया और इस मामले में और भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस मामले में स्पष्टता होनी चाहिए। उन्होंने आशा जताई कि डॉक्टरों और मुख्यमंत्री के बीच की बातचीत का समाधान निकले। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न हो। बता दें कि न्याय की मांग को जूनियर डॉक्टर पिछले 34 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल को समाप्त करने को लेकर के सीएम और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के बीच 2 बार बातचीत के प्रयास फेल हो चुके हैं। डॉक्टरों की मांग है कि बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। वहीं सीएम ममता बनर्जी इस मांग को खारिज कर दे रही हैं। बता दें कि 9 अगस्त को लेडी डॉक्टर की मौत के बाद जूनियर डॉक्टर पिछले 34 दिन से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। इसके पहले नवान्ना में सीएम ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच बातचीत की कोशिश फेल हो गई थी। शनिवार दोपहर को सीएम ममता बनर्जी खुद डॉक्टरों के प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और कहा कि सरकार दोषी को सजा दिलाना चाहती है। उसके बाद डॉक्टरों को बातचीत का प्रस्ताव दिया गया था। ममता बनर्जी के प्रस्ताव के बाद जूनियर डॉक्टरों के 32 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शाम 6 बजे लगभग ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचा, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर के बातचीत पर गतिरोध बना रहा। प्रदर्शनकारी डॉक्टर सीएम के आवास के बाहर बारिश में भीगते रहे तो सीएम ममता बनर्जी राज्य के आला अधिकारियों के साथ अपने आवास पर इंतजार करती रही। इस बीच सीएम ममता बनर्जी फिर से जूनियर डॉक्टरों से अपील की कि वे बातचीत के लिए आए, वो बातचीत के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से कहा कि वे बारिश के पानी में नहीं भीगे और अंदर आकर बातचीत करें, लेकिन डॉक्टर लाइव टेलीकास्ट की मांग पर अड़े हुए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वे लोग उनका अपमान कर रहे हैं, डॉक्टरों ने खुद बातचीत की इच्छा जताई थी। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।